अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रूही आफाक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको शर्ट की कटिंग बताएंगे। बिल्कुल सादा शर्ट है ये, देखिए इसका नाप है कंधा 14 इंच, खमीज़ की लंबाई 42 और सीने 22, कमर 21 और हिप्स है 24। दामन आप 25 या 26 रख लें, मैंने 25 रखा है। और इसके साथ ही देखिए बैक का गला हम काटेंगे, पीछे का जो कटेगा वो 4 इंच पे और आगे का 6.5, और ये गले की चौड़ाई 6 इंच। आस्तीन का जो मुंडा आ रहा है ये 7 इंच रखेंगे और आस्तीनें हम बनाएंगे 18 इंच पे, और आगे से जो बंद करेंगे वो है 5 इंच, और ये वाला हिस्सा जो कटिंग का आता है ये 8 इंच। तो ये बहुत सिंपल सा है नाप इसका, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा मेजरमेंट किया है, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये देखिए सादा सा गला है इसका, यूँ करके यहाँ से हमने लिया है कंधा, ये रहा मैं आपको बताती हूँ दोबारा से नाप कर। ये देखिए यहाँ से हमने लिया है इसको 14 का आधा होता है 7, 7.5 पे हम कटिंग करेंगे ताकि सिल के ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही यहाँ से हमने लिया है तकरीबन 7.5, ये भी दबाव में ऊपर से चला जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। इसके बाद आप ये देखिए यहाँ से हमने इसका सीना लिया है 22 इंच, तो 11 और 11 होता है 22। ये देखिए 22 पे मैंने रखा, ठीक है, और ये देखिए ये आप देख सकते हैं 11 और 11 22, ठीक है ना। इस तरह निशान हमने लगा लिया। उसके बाद हम यहाँ से इसका निशान लेंगे, ये किसी की कमर का हिसाब होता है, किसी की 12, किसी की 12.5, किसी की 13 पे होती है इस हिसाब से। तो ये मैंने 13 इंच पे कमर का नाप लिया है, कमर भी इनकी ज़्यादा टाइट नहीं करनी है। तो ये जो कमर है ये आएगी 21 इंच, 21 का आधा होगा 10.5, ये देखिए 10.5 पे, ठीक है, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। ये जो ज़्यादा है ये सिलाई यहाँ से होगी, ये थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हिप्स, अच्छा यहाँ से फिर नाप जो लेंगे ना चौक का लेंगे, तो यहाँ से ये अपना हिसाब है कि इंसान कितनी ज़्यादा लंबी चौक रख रहा है। मैंने 13 पे निशान लगाया, आम जो बनती है 13 पे बनती है, 13 पे मैंने ये निशान लगा दिया, देखिए। और इसकी चौड़ाई जो है मेरे ख्याल में 24 है, हाँ 24 इंच है। तो ये देखें आप यहाँ पर हमने रखा, और ये देखिए ये 25 आ रही है, तो अब जो दबेगा ना दबाव में जाके फिर ये 24 हो जाएगा। और नीचे से दामन जो हमने इसके लिए है ये आपका आ रहा है 25 इंच, 12.5, और सिलाई का हम इधर आगे से रखेंगे कटिंग कर, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको निशान लगाऊंगी, पहले ये चौक के निशान है, और इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे साथ रहिएगा, इसको मैं आपको स्टिचिंग करते हुए दिखाऊँगी। ये निशान है, सिलाई में दबेगा यानी कि इसके चौक बनेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इसी नाप का हम बैक का पीस रख के काट लेंगे। इसके बाद ये जो फ्रंट है इसको मैं थोड़ा सा और कटिंग करूंगी, यहाँ तक होगा ये।
हैं थोड़ा सा, पहले बैग का पीस इसके नाप के हिसाब से कटिंग कर लूंगी। मेरा ये सीन है, इसको हम रखकर सेट करेंगे। पहले से प्रेस लगाएंगे और इस पीस को मैं इसके ऊपर रखते ही काट लूंगी। इस तरह आसानी रहती है, इसलिए कि डिजाइन वाला है, अगर ये सिंपल होता तो हम एक साथ ही कटिंग कर लेते, ठीक है ना। अब इसको हम इसके ऊपर रख के सेट करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने नीचे एक पीस रखा है, इसके एक पीस रखा है गले की पट्टी लगाने के लिए। इसको पीस को हम नीचे रखेंगे और इसको पिनों से सेट कर लेंगे। अभी ये दो साइड पे पिन लगा के और उसके बाद यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी इसकी, ये पूरी गले में, ठीक है। फिर इसको हम पलटाएंगे। और दूसरी चीज़ की देखें, ये बैक के गले में पट्टी लगाई है हमने, ये गला काटा था और एक पट्टी हमने काटी है। काट के इसको डबल करके इस तरीके से मैंने सारी लगा ली पूरे गले में। और अभी इसको मैं ऐसे करके ना ये वाली पट्टी को नीचे की तरफ इस तरफ मोड़ के और ऐसे रख के यहाँ पे हम पूरी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, सिलाई लगाएंगे अभी, ठीक है, ये बैक वाली पट्टी को। दूसरा, मुझे आस्तीन थोड़े लंबे चाहिए थे तो ये आगे मैंने थोड़ा सा कपड़ा लिया था, ये देखिए, ये लगा के इसको पलटा के दोबारा इसके ऊपर एक सिलाई लगा ली, तो इससे हमारी आस्तीन की लेंथ बड़ी हो गई, ठीक है। तो अब हम ये गले की पट्टी लगाते हैं। तो ये मैं पिन लगा लूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा ठहर जाए कपड़ा, तो नीचे ना हो। पहले आप सहूलियत के लिए चाहे तो बीच में सिलाई लगा लें, जो नए सीने वाले हैं, ये गला जो है हिलना नहीं। तो ये इसको मैंने यहाँ पर कर लिया। ठीक, अब बस लाइए यहां से बस। ये बिल्कुल इस किनारे के साथ, या नोक पे लाके इसको रखिएगा और सुई अंदर रखकर ऐसे घुमाइएगा इसको कपड़े को इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले नीचे देख लीजिए कोई एक्स्ट्रा कपड़ा कपड़ा ना हो जो पड़ जाए कहीं, इसको देख कर ऐसे रख लीजिए और यहाँ से इसकी हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। यहाँ हल्का सा कुटका लगा दें और चाहें तो इधर भी लगा दें। वैसे मैंने कपड़ा बहुत कम काटा है, चौड़ा कपड़ा हो तो फिर आप लगा लीजिएगा, लेकिन मैं लाइट से लगा रही हूँ। ठीक है, अब इसको इस तरीके से पलटा दें और इसको हम एक हिसाब से काट लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए इस तरीके से रखकर इसके अतराफ में पहले सिलाई लगा लूंगी ताकि ये पक्का हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसको प्रेस लगाना है अच्छे से। प्रेस लगाने के बाद हम इसको तुरपाई कर लेंगे ऐसे मोड़ के, ठीक है, ऐसे मोड़ के हम तुरपाई कर लेंगे। चाहे तो मशीन भी लगा सकते हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं।
तो इसको अभी मैं ऐसे करूंगी पहले, ठीक है। इसमें सिलाई लगा लेते हैं बैक के गले पे। ठीक है, अभी इसको पहले मैं प्रेस करके थोड़ा सा उसको बैठा लूंगी, ऐसे बैठा लूंगी इसको पहले। ये देखिए बैक का पीस हमने नीचे रखा है, इसको मैंने मोड़ के सिलाई लगा ली है। आप चाहें तुरपाई करें या कुछ भी करें, मैंने इसको सिलाई लगाई, ये आसान तरीका है, इस तरीके से कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद ये पीस को हम रखेंगे ऐसे, ये जो जॉइंट है यहाँ रखेंगे, आलू का कौन सा ब्लैक पैक है आपके पास? यहाँ रखेंगे और इसके बाद हम इसको इस तरीके से यहाँ से लगाएंगे। ऐसे पूरी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमने इस तरह जोड़ लिए हैं, अब इसके बाद इसको हम चाहें तो सिलाई कर लेंगे प्रेस करके, या आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं इसको। अगर तुरपाई करना चाहे तो इस तरीके से कर लें या सिलाई लगा लें। तो अभी मैं देखूंगी इसमें क्या करना है। और ये दो पीस को हमने मिलाया, ये जो हमने निशान लगाए थे, अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से सिलाइयाँ दोनों साइड की लगा लेंगे इसी तरीके से। मैं आपको कपड़े को बिल्कुल सेट कर लें और ये जो हमने निशान लगाया यहाँ से लगा देंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पक्का कर लें। इसी तरीके से दूसरे साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। ये देखें जो कि मैंने इस तरह से ये लगा दी थी निशान के ऊपर, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ना, अब इसके हमने बनाने चौक। अस्तीनें भी बंद होके लगेंगी, मैं आपको बताती हूँ। ये है अस्तीन, ठीक है। पहले तो इसको उल्टा सीधा देख लें, ये उल्टा है, ये सीधा है अंदर वाला, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा इससे नाप लेंगे और उसके बाद फिर जितना हमें लगाना है यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो इसको मैं ऐसे रखूंगी और यहाँ से इसको देखें, ये तकरीबन पूरा ही आ रहा है, बस ज़्यादा नहीं है, सिलाई का दबाव दबाना है, इतना ही दबाना है इसको दोनों साइड से। और आगे से हमने 5 इंच पे रखना है, तो 5 इंच का निशान लगा के इसको यहाँ से ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, चौक से निशान लगा देती हूँ। चौक ये हमारे पास चौक, ठीक है। जितनी आपने आगे से रखनी है, मुझे 5 रखना है, तो मैं इसको इसी तरीके से दोनों अस्तीनों पे पहले निशान लगाऊंगी और इसको यहाँ से पक्का करके सी लूंगी, ठीक है। तो चलिए अब चौक बनाना शुरू करते हैं। चौक बनाने के लिए आपने इसको यहाँ से पकड़ा सेंटर से और इसको ऐसे पकड़ा यूं, ठीक है, ऐसे रखा, प्रेस लगा लिए दोनों साइड पे। उसके बाद आसानी हो जाती है प्रेस लगाने से, लेकिन मैं नहीं लगाती, मुझे आदत है। जो नए सीने वाले हैं वो प्रेस कर लीजिएगा और इस तरीके से करके फिर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है ना, ऐसे करके। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये हमने इसको ऐसे रखा यहाँ से और इसको थोड़ा सा, ठीक है, जो नए सीने वाले ना उनको प्रेस कर लेना चाहिए, ठीक है, उससे अच्छा हो जाता है।
बस ज़्यादा हमने रखा नहीं था, इतना ही रखा था दबाव। यहाँ पे इसको रोकेंगे ऐसे करके और इसको फिर यहाँ से इसको मोड़ेंगे ऐसे ऐसे मोड़ के। चौक रेडी हो जाएंगे इसके। और दूसरी सिलाई फिर यहाँ पे चलाएंगे। अभी इसी तरह मैं चारों तरफ कर लूंगी। ये कट से थोड़ा सा 2 इंच आगे तक रुकेंगे इसको। फिर इसको हम इस तरह घुमा लेंगे कपड़े को और ये दूसरे साइड से इसको मोड़ेंगे इधर से। इसी तरीके से ये हमारा दूसरा चौक बन जाएगा इस तरीके से। ये फिर नीचे की तरफ चले जाएंगे। इसका आपको पता है जितना बदल लिया था हमने कपड़ा इतना ही लेंगे। ये वही आ गया इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ऐसे। अब दूसरी सिलाई लगानी है ना। अब इसको पलटा लें इस तरीके से, इसको ऐसे पलटा के और इसकी जड़ में से शुरू कर दीजिए। खींचना नहीं कपड़े को, बिल्कुल आराम से थोड़ा स्लो चला लें ताकि सिलाई उतरे भी नहीं। और ये देखिए इस तरीके से, इसी तरह मैं दूसरा चौक भी बना लूंगी। ठीक है, अब ये देखिए। अच्छा, ये जो थोड़ा सा कट हमने स्क्रीन में लगाया था, ये वाला फ्रंट की तरफ आता है। ठीक है ना, ये फ्रंट की तरफ आता है। अच्छा, इसका लगाने का तरीका ये होता है, ये जो इसका स्क्रीन का सेंटर है, इस सेंटर को क्या करते हैं हम, ये जो ऊपर वाला जॉइंट है मोंडे का, इसको यहाँ से लगाते हैं। यहाँ से आप जब लगाएंगे ना, तो ये जो आपकी स्क्रीन जो पीछे की तरफ जाती है ना, ये पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से लगा लें, तकरीबन 1 इंच का फासला ले लें और इसको भी आप नाप लें। देखिए, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक आएगी। इसको बिल्कुल तरीके से लगाना है, खींचना बिल्कुल नहीं। ये देखिए, मैं आपको ऐसे पहले दिखा दूँ, मशीन पर फिर मुश्किल हो जाती है। देखिए, देख रहे, कट से कट भी मिल गया, इजीली लग जाएगी इस तरीके से। चलिए मैं आपको बताऊँ, ये कट है सेंटर और ये है सेंटर, लेकिन हम सेंटर से नहीं लगाते हैं, हम थोड़ा सा 1 इंच छोड़ के लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, ऐसे, हाँ ऐसे करके। और आस्तीन को नीचे रख लीजिए और वो जो मोंडा है उसको ऊपर रख लीजिए, शर्ट वाला पीस ऊपर रख लीजिए। खींचना नहीं है इसको, बहुत आराम से लगाइएगा तो ये अच्छे से लग जाएगा। और ये जो जॉइंट का हिस्सा है, ये बैक की तरफ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। सही कैमरे में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ उसको मैं। ठीक है, आप समझ। कट है, इस कट पे बिल्कुल बराबर आ गया। इसको यहाँ से पकड़ लें और इसको आराम से यहाँ पे बीच में नम दे के ऐसे सेट कर लें इसको इस तरीके से। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो कपड़ा है इसको ऐसे जरा सा मोड़ दें नीचे वाले को, और ये जो उसका कट है, कट पे कट को रखिए और ये वाली चीज को भी ऐसे मोड़ दें। इसको ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं लेना है, नहीं तो फिर आउट हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल मुकम्मल सही आ गया। ठीक है,
सेट कर लें यूं करके। फर्स्ट क्लास तरीके से हमारी अस्थि में लग गई, इसको मैं आपको सीधा करके भी दिखाती हूँ। इसी तरह हम दूसरी भी लगा लेंगे। ये देख रहे हैं जॉइंट से जॉइंट, और ये देखिए अस्तिन कितनी ज़बरदस्त आई। अब ये शर्ट जब पहनी जाती है ना, ये पीछे की तरफ, जैसे गला पीछे की तरफ जाता है, ये नहीं जाता अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो। ये देखिए प्रेस होने के बाद और ज़बरदस्त हो जाएगी। ओके चलो दूसरी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये कटिंग और आज की वीडियो, आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब्स कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट्स भी करके बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊंगी बना के, और अगर इससे हटके भी कोई और चीज़ आप लोग सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। ठीक है, यूं ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो लोग नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए शर्ट हमारी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। मैंने थोड़ा ऊपर करके दिखा दिया आपको।